मेरी बहुत बड़ी तुलसी हो गई थी, ये देखिए कितनी बड़ी हो गई थी और अपने आप ही उसके पत्ते झड़ने लगे, वो सूखने लगी। पता नहीं तुलसी बड़ी हो जाती है और फिर जब सूख जाती है तो बहुत ज़्यादा मन दुखता है। तो ये मैं छोटे छोटे पौधे लेके आई हूँ, अभी ये तो बहुत ज़्यादा छोटे हैं क्योंकि नर्सरी में जाती तो एक तुलसी का पौधा मिल जाता, लेकिन मुझे ये छोटे छोटे पौधे दिखे नीचे तो मैंने सोचा चलो इसको भी ट्राई करते हैं। पता नहीं बढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन तुलसी नहीं थी घर पे, सूख चुकी थी, तो वो भी ज़रूरी है, तुलसी होनी चाहिए घर में। तो इस तरीके से मैंने छोटे छोटे पौधे लगा दिए, अभी इसको बढ़ने में पता नहीं कितना टाइम लगा दिया, लेकिन तुलसी घर में है तो उतना ही मेरे लिए काफ़ी है। हेलो एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं नीता और आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ये ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। बाकी चीज़ों का मुझे पता नहीं, लेकिन इस चीज़ को बहुत बार हम भूल जाते हैं। हर किसी की लाइफ अलग होती है मैं मानती हूँ, लेकिन हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होती होगी, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो ये मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बोल रही हूँ कि हर दिन एक जैसा नहीं होता है। तो लेकिन ये सारी प्रॉब्लम्स को किसी किसी को बहुत जल्दी आदत होती है भूलने की। मेरा ऐसा है कि मुझे थोड़ा सा भूलने में टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद हमें उसे भूलना ही पड़ता है, क्योंकि जब तक उसको पकड़ के रखेंगे स्ट्रेस या फिर जो बॉडी पे हमारे इम्पैक्ट होता है वो हमको ही खुद को झेलना है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को एक साइड रख के हम जो काम कर रहे हैं वो तो हमें करना ही है, ऑफिस वाले तो उनका काम करते ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन मेरे जैसी जो लेडीज़ है वो कोई दूसरा काम करती होंगी, छोटा सा बिजनेस घर में या फिर अपनी हॉबी करती होंगी, तो उसे हमें कंटिन्यू करना है। उसकी वजह से हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा, हैप्पीनेस मिलेगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो तो एक अच्छा लगेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा फटाफट बोल दिया, तो अभी सुबह सुबह मैं बैठी हूँ और ये जो छुई मुई के पौधे हैं ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं और मैं हर रोज़ इनको हाथ लगा के ऐसे करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। रियांश उतना नहीं करता है, लेकिन मैं हर रोज़ इसको हाथ लगा के ना ये ऐसे हो जाते हैं, ये देखिए, तो मुझे अच्छा लगता है एक्चुअली। पता नहीं ये सच बात नहीं है, लेकिन पता नहीं मैंने ये बात कहाँ से सुनी थी। मैंने सुना था कि हम अगर इसे टच करेंगे ना तो हमारा दिन अच्छा जाएगा। तो सुबह सुबह जब भी मेरा मन करता है तो मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ, चाय पी लेती हूँ या फिर जब पौधों को पानी डालती हूँ तो इन बेचारे पत्तों को मैं ऐसे ना वो कर देती हूँ। तो ऐसा मैंने सुना था, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वही मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं करती हूँ। सुबह के काम अभी तक कुछ भी नहीं हुए हैं, बारिश हो रही है बाहर, बारिश का भी श्रावण महीना है तो बारिश आते जाते रहती है। तो चलिए फिर अभी ज़्यादा देर भी इधर नहीं बैठ पाऊँगी क्योंकि काम पड़े हैं, तो काम कर लेती हूँ और वीडियो की शुरुआत भी यहीं से होगी, सो स्टे ट्यून। सुबह के सब काम हो चुके हैं, हमारा लंच भी हो गया है और अभी मुझे बर्तन धोने हैं और बाकी हस्बैंड और बच्चों की अच्छी आदत के बारे में तो बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये जो हमारी लेडीज़ की आदत होती है ये बहुत ज़रूरी होती है हमारे लिए और ये मेरी बहुत अच्छी आदत है। यस, मैं खुद की तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन जो हम बर्तन रखते हैं ना वो अगर तभी के तभी हमने क्लीन करके रख दिए तो हमारे लिए अच्छा होता है। और ये जो मेरा बर्तन रखने का जिसे मैं धो के रखती हूँ वो हमेशा उधर ही रहता है, क्योंकि मैं हमेशा बर्तन जितने निकलते हैं उतने उतने साफ़ करते जाती हूँ, उसको रखते हुए पूरा सिंक भरने नहीं देती हूँ। ये मेरी सच में बहुत अच्छी आदत है, रात को भी मैं कभी बर्तन नहीं छोड़ती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ या फिर कुछ ज़्यादा काम एक्स्ट्रा हो गया तभी मेरा ऐसा कुछ होता है, वरना मैं कभी भी बर्तन ऐसे नहीं रखती हूँ। और आप भी ट्राई करो कि जितने बर्तन निकलते हैं, चाय के 5-6 बर्तन निकले तो उसे तभी के तभी क्लीन करके रख दो, ताकि बहुत ज़्यादा बर्तन जमा भी नहीं होंगे और फिर आपको कंठाला भी नहीं आएगा। मतलब इतने सारे बर्तन देख के ऐसे लगता है कि अभी नहीं करना चाहिए, बाद में करता हूँ, और फिर बर्तन बढ़ते जाते हैं और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को रात को बर्तन क्लीन करके रखने की भी आदत नहीं होती है, लेकिन वो बहुत गंदी आदत है, अच्छा भी नहीं होता है। रात को बोलते हैं कि लक्ष्मी हमारे घर आती है तो सब क्लीन रहना चाहिए, रात को झाड़ू लगा के बर्तन क्लीन करके सोना चाहिए, और पता नहीं बहुत सारे लोग ऐसे ही रख देते हैं और उसकी वजह से कॉकरोचेस और बहुत सारे स्मेल वगैरह आने लगते हैं। तो ये मेरी बहुत अच्छी आदत है, अगर आपको भी है तो वेरी गुड, अगर आपको नहीं है तो ये आदत डाल दीजिए, हमारे लिए भी अच्छी है और
घर भी अच्छा रहेगा, क्लीन रहेगा तो हमें ही अच्छा लगेगा, एक पॉजिटिविटी आएगी। बारिश नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्लाइमेट लगता है, मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है और अच्छा भी लगता है। शाम को अगर घूमने निकलो तो ठंडी भी लगने लगती है। तो रियांश को लेने के लिए अभी मैं आई हूँ, गेट पे खड़ी हूँ, रियांश का वेट करूँगी। कभी कभी जल्दी आ जाता है और कभी कभी टाइम लगता है, तो 5-10 मिनट हो जाते हैं ऐसे। तो काम छोड़ के आई थी क्योंकि कभी कभी बस आ जाती है और मैं आती नहीं हूँ, तो फिर अच्छा नहीं लगता मुझे वेट करवाना, क्योंकि मुझे खुद को वेट करना पसंद नहीं है। तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा मैं पहले ही 5 मिनट आ जाती हूँ। अभी वेट करते हैं थोड़ी देर, अभी तक तो बस आई नहीं है और बहुत प्यारी हवा चल रही है क्योंकि बारिश नहीं है, थोड़ी सी धूप हवा, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये देखो, ये है वो तुलसी, देखो नीचे लगाई है तो कितनी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और यहीं से मैं कभी कभी ना लेके जाती हूँ, जैसे कृष्ण भगवान को लगता है तो ये इस तरीके से तोड़ के लेके जाती हूँ। और आज जो सुबह मैंने लगाए हैं वो भी मैं यहाँ से ही तोड़ के लेके गई थी। ये देखिए कितने सारे छोटे छोटे तुलसी के पौधे आए हैं। तो पता नहीं अभी उसको टाइम लगेगा, देखते हैं अभी कितना टाइम लगता है उसको बढ़ने में। Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. अभी मेरी शाम की चाय चल रही है, यहीं पे आके मैं रोज़ चाय पीती हूँ। मौसम बहुत अच्छा रहता है तो मज़ा आता है। और अभी हम बात करेंगे कि अच्छी आदतें क्या हमें लगानी चाहिए बच्चों को, स्पेशली बच्चों को। ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जो हम अगर बचपन से डालें तो बड़े होकर उनको भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी और हमको भी इतना डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा। तो सबसे पहली आदत जो है, जब बच्चा 4 साल के ऊपर हो जाता है तो उसे खुद को खुद से खाने की आदत डाल दीजिए, क्योंकि वो स्कूल जाने लगता है तो ऑफ़ कोर्स वो टिफ़िन खाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो आप उसे थाली में खाना दोगे वो भी उसे खाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, नीचे गिराएगा, थोड़ा सा होगा, मैसी कर देगा, लेकिन वो खुद से खाना सीख जाएगा। दूसरा काम ये है कि अगर वो पानी खुद के हाथ से ले सकता है, एक्चुअली फ़िल्टर थोड़ा सा ऊपर रहता है तो ये डिफ़िकल्टी है। तो इसीलिए मैं रियांश को हमेशा, रियांश की 2 बॉटल्स है उसको हमेशा भर के रखती हूँ, ताकि उसको जब भी प्यास लगे तो वो अपने हाथों से बॉटल लेके पानी पी सके। प्लस कभी कपड़े में निकाल के लाती हूँ सूखे हुए, तो उसके कपड़े में उसको अलग रखने को बोलती हूँ, उसको कभी कभी फोल्ड करने को बोलती हूँ। खाने के बाद अपनी थाली को सिंक में रख के आना, अपने स्कूल के बैग, बुक्स या फिर फोल्डर्स जो भी है उसे अच्छे से मैनेज करके रखना। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे दिन भर खेलते रहते हैं और घर पूरा मैसी करके रख देते हैं, तो उनके जो टॉय है उन्हें खुद से रखने के लिए बोलिए, वरना फिर दिन भर बच्चे खेलते हैं और फिर बाद में हम ही बोलते हैं कि दिन भर मुझे टॉयज़ संभालने पड़ते हैं या उनको अरेंज करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी अगर आप आदत लगाओगे। और रियांश की एक बहुत अच्छी आदत मुझे लगती है, अगर उसे कुछ खाना रहता है तो, और मैं कभी बिज़ी रहती हूँ तो वो वेट नहीं करता है, जाता है चीज़ें जो उसको मिलती है वो ले लेता है और खा लेता है। हाँ, नहाता वो अभी तक नहीं है क्योंकि मैं ही उसे अभी अकेले नहाने नहीं देती हूँ, मुझे पता है वो अच्छे से नहीं नहा पाएगा। हाँ, लेकिन कपड़े मैं उसे खुद से पहनने देती हूँ। आप भी आदत डालिए कि बच्चे अपने खुद के कपड़े खुद से पहन पाए। तो ये ना छोटी छोटी चीज़ें लगती है लेकिन बच्चों को भी आदत लग जाएगी और हमारा काम हल्का हो जाएगा। ऐसा लगता है कि बहुत छोटा सा काम है लेकिन सच में हल्का होता है काम। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चा अपना काम खुद करना सीख जाता है, वही हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ये जो सारी आदतें हैं जो मैंने अभी आपको बताई वो ना हमारे बच्चों में होनी चाहिए, क्योंकि उनके लिए भी ये अच्छा है और हम मम्मियों के लिए भी अच्छा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम मम्मियाँ ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा है खाना नहीं खाएगा या फिर खुद से कर नहीं पाएगा, तो हम सारी चीज़ें जो उनको हाथ में देते हैं, परोस के देते हैं सब,
तो उनको उसी चीज़ की आदत लग जाती है। लेकिन यही चीज़ जब बड़े होके जब वो हाथ में आपको ग्लास मांगेंगे तो ऐसा लगता है कि यही चीज़ अगर मैंने बचपन से सिखाई रहती तो बात अभी आज कुछ अलग होती, वो खुद से ले लेता। सो वो रहता है कुछ साल तक, जैसे मैंने एज बताया कि 4 साल तक आप सब करो, लेकिन 4 साल के बाद बच्चों को थोड़ी थोड़ी आदत डालो ये सब सारी चीज़ें करने की, ताकि वो खुद से कर पाए और हमें बार बार उठ के उसको पानी का ग्लास हाथ में देने का काम नहीं पड़े। तो ये तो हो गया बच्चों का, लेकिन मैंने बहुत सारी मम्मियों को देखा है कि बच्चा 6 साल का 8 साल का है फिर भी उसे मतलब अपने हाथों से खाना नहीं देते, वो खुद खिलाते हैं। तो पता नहीं कैसे हो जाता है, बच्चे वैसे भी टीवी या फिर मोबाइल देख के ही खाते हैं आजकल के बच्चे, जब तक छोटे हैं तब तक। रियांश तो अभी भी टीवी देख के ही खाता है, मोस्टली टीवी या मोबाइल रहता ही है, तो वैसे भी उन्हें 1 घंटा लगाना है। तो हम उनके पीछे लगने की बजाय उनके पास थाली दे दो, जब तक वो 4-5 साल के हो जाते हैं उनको खाने दो आराम से, वो खाने लगेंगे। क्योंकि स्कूल में आप बच्चे को भेजते हो तो वहाँ पर तो बच्चा अकेले ही खा रहा है, तो यही यहाँ घर पर भी खा ही लेगा हो, तो करने दो उनकी चीज़ें। उनको और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें बच्चों को सिखानी चाहिए, एक आदत पड़ जाती है। ये तो हो गया बच्चों का, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे घर के लोगों को हमारे हस्बैंड को होनी चाहिए, उसके वजह से भी बहुत सारे अंधेरा हो गया। अभी मैं अंदर जाके बात करती हूँ। बच्चों की आदतें तो हमको बचपन से लगाने हैं, लेकिन कुछ आदतें ऐसी भी हैं जो हमारे हस्बैंड को होनी चाहिए, हमारे फैमिली मेम्बर्स को होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ चीज़ बना के रखे हो किचन में तो उसको परोस के ले लो, या फिर चाय छान के ले लो, बनी बनाई चाय छान के ले लो, खुद के हाथ से पानी का ग्लास ले लो, खुद ने खाई हुई थाली है उसे आप रख के आओ। क्योंकि बहुत जेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब चीज़ें हाथ में चाहिए रहती है, उनको बनाई हुई चाय तक मतलब छानना नहीं होता है, उनको सब चीज़ें हाथ में चाहिए। जब जब उनको पानी पीना रहेगा तब तब उनको हाथ में ग्लास चाहिए। तो ये आदत मुझे नहीं लगती उतनी अच्छी है, उनके लिए भी अच्छी नहीं है और हमारे खुद के लिए भी अच्छी नहीं है। क्योंकि ये ना छोटी छोटी चीज़ें लगती है, लेकिन जब आप बार बार इसे करोगे तो आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, आपको लगेगा इतनी छोटी सी चीज़ है तो ये खुद करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसी आदतें नहीं रहते हैं। 4 लोग खाना खाने बैठे हैं और तो ऐसा होता है कि बाकी सारे लोग तो बैठे रहेंगे और एक ही इंसान ऐसा रहेगा जो बार बार उठ के सबको, जबकि वो खुद भी खा रहा है और उठ के सब लोगों को परोस रहा है। तो ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आप पहले से आदत लगाओगे। बहुत सारे अभी हस्बैंड को आदत रहती है खुद से लेने की, खुद से करने की, लेकिन अगर नहीं है तो आप डाल दो, आपको तकलीफ़ नहीं होगी और उनके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप कहीं बाहर गए तो उनके खाने पीने के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, कम से कम आपने बनाई हुई चीज़ वो अपने हाथों से ले पाएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी चाहिए। घर में आप हेल्प नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अगर आप खुद के लिए भी करोगे तो वो भी इनडायरेक्टली हेल्प ही हो जाती है। बहुत सारे ऐसे भी जेंट्स मैंने देखे जो कि घर में बहुत सारी हेल्प करते हैं, आधा खाना बनाना या फिर घर की चीज़ें करना, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। लेकिन उतना हम चाहते नहीं हैं, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हारी जो चीज़ें हैं मतलब जो ईज़िली तुम लोग भी कर सकते हो तो वो करनी चाहिए। या शायद तो बच्चे आए थे पूछने के लिए कि आंटी हमें गणपति बाप्पा की मूर्ति बनानी है तो आप हमारी हेल्प कर दो, और ये सब उनको रियांश ने बताया है क्योंकि उसको पता है मैं बनाती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ। लेकिन पता नहीं, सच बताऊँ ना, इस साल मेरा क्यों नहीं हो पा रहा है। बहुत कम दिन बचे हैं और अभी तक मैंने मिट्टी भी नहीं निकाली है, लेकिन बच्चे बोले कि थर्सडे को उनको छुट्टी है तो उनकी हेल्प मैंने बोला यस कर दूंगी, अभी देखती हूँ। थर्सडे की मेरी पूजा रहती है, एक्चुअली मुझे लेट हो जाता है और उस दिन ना गोकुलाष्टमी भी है, कृष्ण जयंती है, तो उसकी भी मुझे तैयारी करनी ही रहेगी। लेकिन अभी बच्चे इतने उससे आए हैं, मतलब एक्साइटमेंट थी उनमें कि उनको बनाना है, तो मैं देखती हूँ, ट्राई करूँगी और उसी दिन मैं भी छोटा सा गणपति बना दूँगी। अभी इस बार मैं ज़्यादा मतलब डेकोरेटिव काम कोई करने नहीं वाली हूँ, सिंपल ही बनाऊँगी मिट्टी के। देखती हूँ उसको कलरिंग वगैरह तो कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। अभी इस बहाने मेरे भी पप्पा बन जाएंगे तो देखते हैं। रियांश ने वैसे उनको बताया है कि मम्मा अच्छा बनाती है तो मम्मा हेल्प करेगी, तो मैं कर दूँगी हेल्प थर्सडे को। लेट्स सी, अगर कुछ हुआ तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। और जो हम बातें कर रहे थे अभी,
आप भी आदत लगाओ, थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे आदत लगेगी। जिन लोगों को बिल्कुल भी कुछ भी करने की इच्छा, मतलब इच्छा नहीं सॉरी, कुछ भी नहीं कर पाते हैं, उनको टाइम लगेगा, उनको एक एक हल्की हल्की मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताओ तो वो करने लगेंगे, और आपको भी तकलीफ़ नहीं होगी, हमारे लिए भी आसान हो जाएगा। और बाकी अगर आपके घर में और भी मेम्बर्स हैं तो उनको भी ये आदतें लगाओ, कम से कम अपने हाथ से खाना परोसना, अगर की थाली में से कुछ ख़त्म हुआ तो खुद जाके लेके आओ, पानी का ग्लास लो, अपनी चीज़ें अपने कपड़े अपने वो सब फोल्ड करके खुद रख दो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी है लेकिन हमारे डेली लाइफ में ये बहुत इम्पोर्टेंस होती है अगर देखा जाए तो। तो यही मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करना था, तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, और मैं देखती हूँ बहुत सारे ना मेरे वीडियो अगर व्यूज़ आते हैं तो बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब वाले होते हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो तो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दिया करो, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।